हेलो एवरीवन, अंजलि की रसोई में आज बन रहा है बेबी कॉर्न चिल्ली। तो आपने रेस्टोरेंट में बहुत बार बेबी कॉर्न चिल्ली खाई होगी, लेकिन आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर बनाने वाले हैं बेबी कॉर्न चिल्ली। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। रेस्टोरेंट स्टाइल बेबी कॉर्न चिल्ली बनाने के लिए हमने ले लिया है बेबी कॉर्न चिल्ली। तो पहले हम इसे बॉयल करेंगे। तो मार्केट में आसानी से बेबी कॉर्न मिल जाता है, तो सारे बेबी कॉर्न को एक चाय पैन में डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे बॉयल होने के लिए, और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। बेबी कॉर्न में हल्दी पाउडर डालने से बेबी कॉर्न का कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमें बेबी कॉर्न को ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए हाई फ्लेम पे इसमें बॉयल आने दें पहले। तो बेबी कॉर्न चिल्ली बनाने के लिए हमने सब्जियों में ले लिया है प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, स्लाइसेस में कटा हुआ हरा मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक। तो सारे सब्जियों को हमने बारीक कट किया है, तो इसे रख देते हैं साइड में। एक कटोरी में एक बड़े चम्मच आरारोट पाउडर लेंगे। आरारोट पाउडर से ग्रेवी बहुत अच्छा तैयार होता है, तो इसी में हम तीनों सॉस भी ऐड कर लेते हैं। तो एक बड़े चम्मच टमाटो सॉस, एक बड़े चम्मच सोया सॉस, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक बड़े चम्मच चिल्ली सॉस। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला कलर लाने के लिए थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारे चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर ले कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो आप देख सकते हैं सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बेबी कॉर्न में आ गया है एक बॉयल। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बेबी कॉर्न को हमें कितना पकाना है। तो एक प्लेट में एक बेबी कॉर्न को निकाल लेते हैं और बेबी कॉर्न को कट करके देखेंगे। अगर ये आसानी से इस तरीके से कट हो जा रहा है, तो आप समझिए कि बेबी कॉर्न हमारा हो गया है। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और बेबी कॉर्न को अच्छे से नॉर्मल पानी से धो लेते हैं, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो बेबी कॉर्न को हमने अच्छे से धो लिया है, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो बेबी कॉर्न को हमें स्लाइसेस में कट करना है, इससे देखने में बहुत अच्छा लगता है चिल्ली। तो इस तरीके से लंबाई में कट करते हुए स्लाइसेस में इसे कट कर लें। तो बेबी कॉर्न को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन हम आज स्लाइसेस में कट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे बेबी कॉर्न को स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। तो सारे बेबी कॉर्न को हमने इसी शेप में कट कर लिया है स्लाइसेस में। तो अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें सारा बेबी कॉर्न ऐड कर देंगे। तो हम इसमें डालेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच नमक। तो नमक का क्वांटिटी बहुत कम रखें, क्योंकि हमें सारा सॉस ऐड करना है। और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें तीन बड़े चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच आरारोट पाउडर। तो मैदा से थोड़ा सा कम आरारोट पाउडर डालें। अब हम इसमें डालेंगे सारे सॉस। तो एक छोटे चम्मच सोया सॉस, एक छोटे चम्मच चिल्ली सॉस। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक छोटे चम्मच वेनेगर, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक छोटे चम्मच टमाटो सॉस। तो अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाला ऐड करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधे छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब ये सारे चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर हमें पानी का क्वांटिटी कम लगेगा, तब हम इसमें डालेंगे। पहले इसमें पानी बिल्कुल ना ऐड करें, क्योंकि हमने सॉस और वेनेगर डाला है, तो वो लिक्विड है, उससे ही हमारा अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि बेबी कॉर्न पर अच्छे से अभी कोटिंग नहीं हुआ है। तो बिल्कुल इस तरीके से सारे चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सारे बेबी कॉर्न पर अच्छे से कोटिंग हो गया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रखेंगे एक नॉनस्टिक पैन, और बेबी कॉर्न को हमें तलना है, तो इसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल। ऑयल को हाई फ्लेम पे मीडियम गरम होने देते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, तो अब हम बेबी कॉर्न को इसमें डालेंगे तलने के लिए। तो सारे बेबी कॉर्न को हम इस तरीके से तल लेते हैं। तो आप चाहे तो स्पून से डालें, नहीं तो हाथों से इस तरीके से डाल सकते हैं। तो ऑयल में हम बेबी कॉर्न डाल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे में बेबी कॉर्न चिपका है। तो हम इसे अच्छे से तलेंगे, तो बेबी कॉर्न अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर टेंशन ना लें। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आए। अब मीडियम फ्लेम पे बेबी कॉर्न को उलटते पलटते हुए अच्छे से तल लेंगे। तो बेबी कॉर्न को हमें मीडियम फ्लेम पे 80% ही तलना है।
तो आप देख सकते हैं बेबी कॉर्न का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे तल लेते हैं बेबी कॉर्न को। तो हमने बेबी कॉर्न को 80% तक तल लिया है। तो बेबी कॉर्न का कलर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है और एक दूसरे से अलग भी हो गया है बेबी कॉर्न। अब हम सारे बेबी कॉर्न को निकाल लेंगे किसी प्लेट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बेबी कॉर्न की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो अब ऑयल को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम करेंगे। तो ऑयल को हमने हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अब सारा बेबी कॉर्न तला हुआ इसमें डालेंगे और इसे 20% तक और तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल हमारा कितना गरम है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि बेबी कॉर्न चिल्ली एकदम क्रिस्पी लगेगा खाने में, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो 20% तक हमने बेबी कॉर्न को तल लिया है। तो गैस को कर देते हैं बंद और सारे बेबी कॉर्न को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बेबी कॉर्न देखने से ही कितना क्रिस्पी लग रहा है और सारा बेबी कॉर्न एक दूसरे से अलग भी हो गया है। तो उसी पैन में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हमने 2 छोटे चम्मच ऑयल लिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं। तो पैन हमारा गर्म है, ऑयल भी गर्म है। तो अब हम बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन और स्लाइसेस में कटा हुआ हरी मिर्च सारे को ऑयल में डालेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि अदरक लहसुन जो है उसका पेस्ट ना डालें, बिल्कुल इसी तरीके से कट करके डालें बारीक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने इसे थोड़ा सा भून लिया है कि इसका कच्चापन दूर हो गया है। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी हम 3 से 4 सेकेंड तक भून लेते हैं। तो हमें सारे सब्जियों को बस कच्चापन दूर करना है, उसे ज़्यादा नहीं भूनना है। तो 3 से 4 सेकेंड तक हाई फ्लेम पे हमने प्याज को भी भून लिया है। तो अब हम इसमें कटा हुआ शिमला मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक। तो नमक का क्वांटिटी आप बहुत कम रखें क्योंकि सारे सॉस भी ऐड करना है और हमने बेबी कॉर्न में भी नमक डाला है। 1 से 2 सेकंड तक सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे भून लें। तो 1 से 2 सेकंड तक सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है। तो जो हम घोल तैयार किए थे सॉस और अरारोट पाउडर का, वो सारा इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को एकदम लो रखें। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच मंचूरियन मसाला पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसालों को अच्छे से भूनने के लिए हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। तो पानी डालने के बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे सारा पानी को अच्छे से सुखा लेंगे क्योंकि हम आज बेबी कॉर्न चिल्ली स्पाइसी और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने वाले हैं। तो एकदम बेबी कॉर्न चिल्ली हम ड्राई बनाकर तैयार करेंगे, उसमें थोड़ा सा भी ग्रेवी नहीं रहना चाहिए। तो सारे पानी को हमने अच्छे से सुखा लिया है। तो अब हम इसमें सारा तला हुआ बेबी कॉर्न ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने बेबी कॉर्न को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अभी कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही बेबी कॉर्न चिल्ली। तो हाई फ्लेम पे 1 से 2 सेकंड तक हम इसे भून लेते हैं इस तरीके से चलाते हुए। तो 1 से 2 सेकंड तक भून लिया है। तो ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल बेबी कॉर्न चिल्ली बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम कर लेते हैं सर्व। तो सर्व करते टाइम आप बेबी कॉर्न चिल्ली देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो बेबी कॉर्न चिल्ली बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर पर एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।